अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। आज का प्रोग्राम अख्तर कॉलोनी के नाम। हम देखते हैं कि कराची के जितने भी जिलों की हम बात कर लें, जितने भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, वहां पर बहुत सारे ऐसे इलाके आते हैं जो कि जहां पर हमें मसाइल का ढेर नज़र आता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डिफरेंट मसाइल हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके मसाइल ही बिल्कुल अलग हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि ऐसा लगता है कि कभी भी आबाद नहीं हुए। लेकिन अगर हम बात करें अख्तर कॉलोनी की, तो ये एक ऐसा इलाका है जो कि कराची के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का जो है वो लोगों को सामना है और काफ़ी अरसे से है। यहाँ पर जो है वो हमने देखा मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो हैं वो सेलेक्ट भी हुए, उम्मीदवार थे, वो आए भी, उन्होंने अपना टेन्योर भी पूरा किया, लेकिन मसाइल जो हैं वो जूगे तू रहे। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मसाइल में इजाफा ही हुआ। यहाँ पर जो है ना आपको जो है वो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ना आपको यहाँ पर ऐसा कोई निज़ाम मिलेगा जहाँ पर जो है वो लोग ये बात करते हुए नज़र आए कि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई एक साइड पर कर दें, यहाँ पर जो है पानी, बिजली, गैस के अलावा जो है वो सीवरेज का निज़ाम हो गया, और सबसे बड़ा मसला जो इस इलाके का है वो है मंशियात का। जिस तरीके से जो है वो मंशियात इस इलाके में फैल रही है और यहाँ पर ये इतना क्राउडेड एरिया बन चुका है कि लोग जो हैं वो इतने तंग आ गए हैं कि लोगों को समझ नहीं आता कि वो अपने मसले लेकर किसके पास जाएं और आखिर उनके मसले कौन हल करेगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना अख्तर कॉलोनी का ज़रा दौरा किया जाए, ज़रा लोगों से बात की जाए, उन्हीं की ज़बानी उनके मसाइल सुने जाएँ और देखा जाए कि आखिर इस मसले का हल किस तरीके से मुमकिन है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़। इस इलाके के मसाइल के बारे में अगर हम जाने तो क्या क्या मसाइल हैं इस इलाके के? सबसे पहले पानी क्या है? पानी कितने अरसे से नहीं आ रहा? चार साल से नहीं आ रहा पानी। चार साल से पानी नहीं आ रहा, तो फिर कैसे आप लोग पानी पूरा करते हैं? डलवाते हैं, छोटी टैंकियाँ, टैंकर हो गए। तो टैंकर एक कितने का आता है? 8 से 7 हज़ार का आता है। 8 से 7 हज़ार का। और कितने दिन चलता है वो टैंकर? वो फैमिली के हिसाब से चलता है, जितनी बड़ी फैमिली होती है उसके साथ चलता है। कभी कोई इलाके का बड़ा आया है जिसने मसाइल करते रहते हैं, मगर और भी मसले मसाइले हैं, नहीं हल होते। और बड़े लोग काम खराब करते हैं। क्या काम खराब होता है? बस आपस में पार्टियां एक दूसरे के जिद में आके ना खराब करते हैं। आपको उम्मीद है कभी के कराची के मसले या आपके इलाके के मसले, अख्तर कॉलोनी के मसले हल होंगे कभी? इंशाल्लाह हो जाएंगे, उम्मीद है जी। उम्मीद पर दुनिया कायम है और यहाँ पर जो है वो हम लोगों से बात करके उनके मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने मुंह से बताएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि अख्तर कॉलोनी में ना सिर्फ रिहाइश पजीर हैं बल्कि ये उन मसाइल का सामना रोज़ाना की बुनियाद पर भी कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाजी। भाई मुझे गैस का मसला बहुत है इधर, काफ़ी जगह पर गैस आ रही है, काफ़ी पे नहीं आ रही है, तो जो आम दुकान थे वो भी बंद किए गए हुए हैं, पुलिसों ने बंद करवाए हुए हैं, और बाहर से जाते हैं तो बाहर से भी गैस नहीं मिल रही है कि ये कम आपको मिलेगी नहीं गैस। और अच्छा, गैस के लिए आप लोगों ने, हमने देखा है कि कुछ इलाकों ने वो पंप्स वगैरह रखे हुए हैं जहाँ पर गैस चोरी करते हैं, अख्तर कॉलोनी में ऐसा कोई सिस्टम है? नहीं, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन गैस लाने में नहीं आ रही है तो वो तो ज़रूर अपने दुकान लेके रखेंगे जो बंदों को दे रहे हैं, तभी ये गुजारा हो रहा है। हम भी किराए पर रह रहे हैं, 10,000 किराया दे रहे हैं, काफ़ी जगहों पे गैस आ रही है, काफ़ी नहीं आ रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें अख्तर कॉलोनी की, हमें बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे भी नज़र आते हैं, स्कूल, सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें, मौजूद हैं स्कूल? नहीं है मौजूद। सरकारी स्कूल हैं इस काबिल के बच्चे आप अपने पढ़ाएं? स्कूल हैं मैडम, काफ़ी हैं, पर वो जो प्राइवेट स्कूल हैं। सरकारी सतह पर उस तरीके से नहीं है। किन मसाइल का सामना करना पड़ा है या क्या लगता है? यहाँ पर सबसे बड़ा इशू पानी का। ठीक है, पानी आप देखें, टैंकियाँ माफिया चल रही है यहाँ पर और पानी बिल्कुल नहीं दे रहे कश्मीर का लोगों पे, और ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा, बाकी अगर हम इलाके के मसाइल की बात करें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम रोड्स की बात कर लें, गलियों की बात कर लें, तो हमें उस तरीके से गलियां तबाह हाली का शिकार ही नज़र आती हैं, तो आपको कोई गली अख्तर कॉलोनी में कोई रोड सही नज़र आया है या यही हाल है सड़कों के? यही हाल है, क्योंकि ये बनाते नहीं है, उसी के ऊपर बनाते बनाते वो ऊपर चढ़ जाता है, जब बारिशें होती है तो पानी इधर उधर अंदर घुस जाता है लोगों के घरों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल में इलाके का नक्शा कुछ तब्दील हुआ होगा, कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ बुरा हुआ होगा, बताइएगा। लोग तब्दील नजर आ रहे हैं, बाकी तो इलाका वही है, वैसे ही वही हाल है, गलियां टूटी हुई हैं, पानी आता नहीं है, मंशियात बहुत है, हर चीज़ सफाई सुथरा है नहीं, हर चीज़ आपके सामने, आप खुद देखो, टूटे फूटे रोड हैं, खड्डे हैं, कुछ भी नहीं है।
तो ये जो मसाइल हैं इतने सारे जी जी। ये लेकर आप लोग कभी जाते हैं टाउन चेयरमैन के पास या जब इलेक्शंस होते हैं तो एमपीएस वगैरह आते हैं उनके पास? इलेक्शन के टाइम तो नजर आते हैं, उस टाइम सफाई सुथराई भी करवाते हैं, पानी वानी आता है और वादे करके जाते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते। अपना घर किराए का घर है, 7,000 रुपए रेंट देते हैं, पानी की कमी है, गैस की हमें कमी है, इस कॉलोनी के अंदर गैस नहीं आ रहा। इलेक्शन के टाइम पे जनाब मोहतरम सईद गनी साहब और अपना उनके साथ जो असद आलम साहब थे ये आते रहे हैं, चक्कर लगाते रहे हैं। हमारी कॉलोनी के भी माशाल्लाह बड़े MNA MPA हैं, उनको भी दरख्वास्त की हुई है कि वो कहते हैं कि मोटर ख़राब हो जाती है आए दिन, कभी लाइन टूट गई है, कभी कुछ है, 100 मसले हैं। सड़कों का ये हाल है, आपके सामने कोई सफाई नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, गलियाँ हैं तो गलियाँ भी ऐसे पड़ी हुई हैं, किसी को कुछ बोलो तो कहते हैं हाँ हो जाएगा। अगर बाज़ुकात MPA या MNA आ भी जाते हैं तो उनके पास पूरा ही मोहल्ला पूरी कॉलोनी जो है साथ इकट्ठे होकर जाती है, उनको कहते हैं कि भाई हमारे साथ ये मसले हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है, वो हल हो जाते हैं, वो तो अपने घरों में आराम से सुकून से बैठे हुए हैं, चले गए हैं। हम किसी पार्टी से या किसी से हमारे कोई शिकायत नहीं है, हमारी जो शिकायत है वो ये है जो आपको बता दिए, गैस का मसला है। बुनियादी मसाइल हैं हर शहरी के, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो चाहते यही हैं कि उनके मसाइल हल हो। कराची में जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट अख्तर कॉलोनी के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के लोग क्या बात कर रहे हैं वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या मसाइल हैं उन पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं अख्तर कॉलोनी के मसाइल पर और क्या मसाइल हैं अरसा दराज से, क्योंकि आपने भी सुना हमने भी सुना कि पिछले 18 साल से 12 साल से जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं यही मसाइल हैं जो वो देख रहे हैं और वो मसाइल अभी तक जो हैं वो हल नहीं हुए हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम ज़रा बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या करते हो? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो, पढ़ा कहाँ से? पढ़ा यहाँ एक सोलर हाई स्कूल से। सरकारी है प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट है, सरकारी स्कूल नहीं है इलाके में? इस इलाके में नहीं है लेकिन आगे है, डिफेंस में है। तो वहाँ क्यों नहीं पढ़ते सरकारी स्कूल? ये क्या है, वो ज़ेरे तामीर है, फ़ायदा नहीं है वहाँ पे, पढ़ाई सही नहीं है। पढ़ाई सही नहीं है। अच्छा, तो इसके अलावा अगर हम बात करें इस इलाके की, आप कितने अरसे से रह रहे हो इस इलाके? 19 साल से रह रहे हो। क्या हुआ है, कोई बेहतरी आई है इलाके में या नहीं? नहीं, जो था वो भी चला गया। पहले फिर भी एक दो दिन बाद पानी आता था, अब तो कम से कम 2-4 महीने हो गए पानी नहीं आया। अगर आता भी है तो गंदा जब आता है तब हमारी साइड पे छोड़ दिया जाता है, जब साफ़ होता है तो आगे बड़ों को दे दिया जाता है। तो क्या कहना चाहोगे आला हुकाम से कि किस तरीके से जो है वो कौन कौन से मसाइल जो है वो आप चाहते हो कि हल? यहाँ पे और कोई बड़ा मसला नहीं है, यहाँ पे रोड भी सही है, सब कुछ सही है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो पानी का है। यहाँ पे 2300 वाला टैंकर अभी 5,000 में मिल रहा है, आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ठीक है जी, सबसे बड़ा मसला इस इलाके का जो है वो पानी का मसला है। और साथ ही साथ अगर चलते हुए हम आपको दिखाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये अख्तर कॉलोनी का इलाका, यहाँ पर भी जो है वो सड़कें ऐसी हैं कि यहाँ पर भी अगर आप 2-3 बार गुजरें तो यकीनन आपके साथ कोई ना कोई मसाइल पैदा होंगे, कहीं ना कहीं आपके भी दर्द शुरू हो जाएगी, क्योंकि रोड्स को बेहतर होना बड़ा रोड्स का बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। सरकारी स्कूलों का इलाकों में होना, डिस्ट्रिक्ट्स में होना बड़ा ज़रूरी है। मज़ीद आगे बढ़कर ज़रा चंद और लोगों से बात करते हैं। इलाके के मसाइल पर अगर हम बात करें तो क्या मसाइल हैं इलाके के? यहाँ पर सबसे बड़ी पहली चीज़ है कि पानी के मसाइल बहुत हैं। पानी जो है वो बिल्कुल नहीं है, टैंकर डलवा के लोग जो है बहुत परेशान हैं। तो इस हवाले से अगर गवर्नमेंट कुछ करे, बाकी तकरीबन काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने काम किए भी हैं, लेकिन यह कि यहाँ के रोड़ें गलियों जो है उनकी बहुत बुरी हालत है, तो इस धूल मट्टी डस्ट जो है वो लोगों के गुर्दे ख़राब कर रही है। तो इस हवाले से जो है ना गलियों पक्की करे गवर्नमेंट, बाकी जो है पानी का मेन जो इशू है वो हल होना चाहिए, बाकी तकरीबन मामला ठीक है। बाकी बचा क्या है? पानी का मसला, गैस का भी मसला, सड़कों का भी मसला है, वजह क्या है पीछे? फिर वजह यही है कि जो ठेकेदार यहाँ पे वो ठेके लेते हैं वो काम सही नहीं करते, और जो है वैसे भी मैग में ये दूसरे तीसरे सारा मिला होता है, काम सही हो तो ये तकरीबन 15-20 साल तक ये जो है गली रोड जो कोई ख़राब नहीं हो सकता। मुझे ज़रा बताएं इलाके की सूरत हाल के बारे में, ज़रा हमें भी बताएं, आवाम को भी आगाह करें। इलाके का तो सबसे बड़ा मसला पानी का है, गैस का भी है। गैस सुबह 6 बजे आता है, 10 बजे सुबह रात को चला जाता है,
क्योंकि गैस का भी मसला और पानी का मसला तो तकरीबन 15 साल से है और वो इतना ऐसा है कि लाइनें भी है सब कुछ है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। पहले पानी आता था 15 साल पहले सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक पानी आता था जो कि अभी नहीं आ रही। और एक तो दूसरा ये है कि कई मबाद बंद के अंदर हमारा जो पानी का बड़ी लाइन है वो जगह जगह से लीक है जिसमें मुर्दार कुत्तों का गंदा पानी जो है ना उसमें जाता है वो हमारी लाइनों में आता है जो कि हम टैंकर डलवाते हैं वो टैंकरों का वो पानी भी हमारा गंदा हो जाता है। कभी कभी वो छोड़ते हैं तो वो पानी भी गंदा हो जाता है जो हम खुद डलवाते हैं। इन्हीं बहुत परेशानी है और उसके लिए बजात खुद मैंने दरख्वास्त भी दी है कमिश्नर कराची को भी दिया है वज़ीर आला सिंध को ये 3-4 महीने पहले मैंने दिया है दरख्वास्त यार ये जमेज ये बड़ी लाइन इसको जगह जगह से लेके तकरीबन 1 किलोमीटर का है जो कि इनको सही करें। क्या नतीजा निकला है? सुना ही नहीं है वो दरख्वास्त मेरे पास पड़ी भी है अभी तो उसका कोई हल मुमकिन अच्छा नहीं है। कमिश्नर कराची वाटर बोर्ड को हमीरानी मुस्लिम जो कि सख्त जज बता रहा था कि बहुत सख्त है लेकिन उसने भी एक दो दफ़ा फिर वाटर बोर्ड से मुझे फ़ोन आया कि यार हुआ है नहीं हुआ है लेकिन एक दो दिन पानी साफ आया वो तो समंदर का पानी जब ऊपर आता है ना तो पानी उस लाइन में अंदर चला जाता है फिर पानी गंदा आता है। जब वो समंदर का पानी मस्ती कम होता है तो जो है ना वो लाइन पानी में नहीं होता है ना वो पानी फिर सही आता है ना। तो मुझे बताएं ये जो मसाइल आप बता रहे हैं और दरख्वास्तें देने के बावजूद भी इसका कोई हल कुछ सदबाब नहीं हुआ है? सदबाब हमारा एमपी है मैंने ऐसे है ना अभी क्या करें बताओ ना उम्मीदें नहीं है आपको मतलब नहीं है ना मुश्किल है। आपको कॉलोनी में मौजूद है हम डिस्ट्रिक्ट है ये जी वेस्ट यहाँ के क्या मसाइल है उसी पर बात कर रहे हैं। मसले हल होंगे इलाके के अगर उनमें कोई इंसानियत होगी तो जरूर होंगे। आपके कहने का क्या मतलब है इंसानियत नहीं है हमारे लोगों में? नहीं नहीं कुछ है लेकिन कम है कम पाई जाती है मकदार जरा कम है परसेंटेज थोड़ी कम है। ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जी कितना अरसा हो गया इस इलाके में रहते हुए? मैं तो पैदा ही इसी इलाके में हूं। ओहो तो आप जरा बेहतर बताइएगा ये वही गलियां होंगी जिनमें आप खेला करते थे अब जरा कमर्शलाइज हो गई हैं बिल्डिंग्स बन गई हैं लोगों का कारोबार भी शुरू हो गया। ये जो बदलाव आया है इलाके में बदलाव तो ऐसा आया है गैस ही खत्म कर दी है पहले गैस आज तक यहाँ से नहीं गई अभी ये साल दो हो गए हैं तकरीबन गैस बिल्कुल आती ही नहीं। गैस की क्या टाइमिंग है जाने के? बीच में सुबह में होती है फिर रात को 9 बजे तक होती है तकरीबन। ठीक है मतलब उसके बाद फिर सुबह के वक्त जाती है और रात के वक्त जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें इसके अलावा पानी की लाइनें नहीं है यहाँ पे पानी नहीं है बाकी तो सब कुछ सही है इलाके का एक पानी नहीं है यहाँ पे बस। अच्छा इसके अलावा अगर आप देखें हम अगर अख्तर कॉलोनी की सड़कों की बात करें साथ ही साथ मंशियात के हवाले से बात करें चोरी तो बहुत है तो मुझे उसके बारे में बताइएगा कि मंशियात इस इलाके में कितनी है? मंशियात तो बहुत ज्यादा है बच्चे बच्चे पी रहे हैं आजकल तो इधर नशे कर रहे हैं। कौन सा नशा है जो इस इलाके में बहुत ज्यादा हो रहा है? आइस पाउडर ही ज्यादा चल रहा है। आता कैसे इलाके में? अब ये हमें क्या पता कहाँ से आता है। अच्छा आप लोगों ने कभी मुतल्लिका थाने में कॉल की दरख्वास्त दी है कि भाई ये मंशियात तो खत्म कराएं तो बच्चा बच्चा पी रहा है? नहीं नहीं की। क्यों सर तो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत भी तो देना होता है। काम से ही फुर्सत नहीं होती तो इतने वो क्या करेंगे? ये भी तो काम है ना ये तो कौमी फरीजा है। जी बिल्कुल है बरहाल नहीं टाइम मिला ना इतना। अच्छा ये जो हुक्मरान है हमारे मुतल्लिका इदारे हो गए हमारे टाउन चेयरमैन हो गए MPAs हो गए आपको लगता है कि ये कुछ इलाके में बेहतरी आप कर सकते हैं या नहीं? अभी तक तो सही चल रहे हैं जैसे चौधरी आमिर है सही काम कर रहे हैं सड़कें वड़कें बना रहे हैं सही काम अच्छा ही कर रहा है जब से वो आया है सही काम कर रहे हैं। थोड़ा सा काम और हो तो इलाके में जो है वो सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो सकती है। यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या गुटखा खा रहे हैं आप? पाबंदी नहीं है गुटखे में? नहीं है लेकिन अभी कहाँ से मिल रहा है गुटखा? ये पूरे कराची में मिल रहा है मतलब अख्तर कॉलोनी में भी मिल रहा है? जी ठीक है मतलब बाकी पूरे कराची में पाबंदी लगी हुई है आप लोगों ने खुला बिक रहा है? जहाँ से देखो मिल जाएगा। मना नहीं किया किसी? नहीं नहीं लेकिन लोग बेच रहे हैं फिर भी बेच रहे हैं खाने वाला तो खाएगा। अच्छी बात है भैया खाने वाला तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो है वो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है पुलिस मना नहीं करती लाख कोशिश कर ले पुलिस लेकिन नहीं हो पाता। अच्छा इसके अलावा इलाके में अगर मंशियात के हवाले से हम बात करें जी क्या मंशियात इलाके में? यही ज्यादा मावा वगैरह या आइस वगैरह चरस कैसे मिलती है अगर किसी ने खरीदनी हो तो कैसे खरीदेगा? यानी कि ब्लैक में बेचते हैं लोग। ब्लैक में कैसे? ब्लैक में कैसे मतलब चोरी छुपे छुप छुप के बेचते जी जी
कभी अगर हम बात करें इलाके के मसले की, कोई उम्मीदवार आया है यहाँ पर इलाके में मसाइल को हल करने? आते तो बहुत है लेकिन हल कुछ भी नहीं हो पाता है असल में मसला। कभी आप लोगों ने खुद अपने तई कुछ करने की कोशिश की है कि चलो हम मिलके कोई सड़क बना दें, कोई गली बना लें, या हम ये मसला सारे पैसे मिलाते हैं और ये मसला हल कर देते हैं? हमने ऐसा हुआ है कभी? अगर हम इतने के लिए होते तो अभी हम लोग अपना घर बना के बैठे, मेन मसला है। ठीक है, तो मतलब उम्मीदवारों जी उम्मीदवारों से उम्मीद ये होती है कि हमारा यानी कि मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, हमारे कारोबार अच्छे हो जाए, ठीक है, लेकिन उस पर ये लोग तवज्जो नहीं दे रहे। गरीब बेचारा दर बदर है, ठीक है, जिसके पास भी जाते बोलते पहले आप अपना वो ले कर स्कूल का डेथ सर्टिफिकेट ले कर सारा कुछ ले कर जी जी वो उसके लिए मांगते हैं ना, मतलब जॉब के लिए आपको जॉब पे रखें तो जॉब पे तो जिंदा इंसान रखेंगे ना, आपका डेथ सर्टिफिकेट ले लिया तो फिर जॉब स्कूल का बोल रहा हूँ ना, स्कूल का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम इलाका मकीनों से बात कर रहे हैं, उनके मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी कराची में अगर हम टोटल ज़िलों की बात करें तो हमारे पास तकरीबन 7 ज़िले हैं और हमने सोचा कि क्यों ना हम उन ज़िलों में, क्योंकि एक ज़िले में बहुत सारे ऐसे इलाके आते हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, उन मसाइल को जानने की कोशिश करें और उन मसाइल के हल की कोशिश करें कि किस तरीके से ये मसाइल जो हैं इनका हल मुमकिन है। तो उसी सिलसिले की कड़ी में इस वक्त आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में और उसका इलाका है अख्तर कॉलोनी। यहाँ का सबसे बड़ा मसला जैसा कि लोगों ने बताया है वो है यहाँ का पानी, क्योंकि इलाके में पानी मौजूद नहीं है। कुछ लोगों का कहना यही है कि यहाँ पर लाइंस पानी की मौजूद हैं लेकिन पानी जो है वो आता नहीं है, और अगर पानी आता भी है तो वो गंदा पानी होता है। साथ ही साथ गैस का मसला पूरे कराची शहर का मसला है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का ही मसला है। तो यहाँ पर गैस मौजूद नहीं है, मंशियात की फरावानी है यहाँ पर, गुटखा मावा यहाँ पर आम मिलता है, और लोगों की कोशिश यही है कि और लोग चाहते भी यही हैं, लोगों की ख्वाहिश भी यही है कि इन मसाइल का जो है वो हल किया जा सके और इसको जो है एक अच्छा इलाका बनाया जाए। उम्मीदवारों से कोई ख़ास उम्मीद उनको है नहीं, लेकिन जो है हम कोशिश करेंगे कि टाउन चेयरमैन साहब से बात करें और उनसे जानें कि क्या मसाइल इलाके के और ये मसाइल जो हैं इनका हल किस तरीके से मुमकिन है, ताकि यहाँ के इलाका मकीनों को जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो रिलीफ मिल सके। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे अख्तर कॉलोनी में, और बहुत सारे एक टाउन में बहुत सारी ऐसी यूसीज होती हैं जिनमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, और ज़्यादातर जो हम इस तरह के प्रोग्राम्स में बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, अक्सर और बेशतर कहा जाता है कि ये ज़िम्मेदारी होती है टाउन चेयरमैन की। तो हमने सोचा है कि अपने प्रोग्राम्स में टाउन चेयरमैन के पास जाएँ, उनसे ज़रा जाके पूछें कि वो अपने इलाकों के बारे में कितने वाकिफ़ हैं और वो उनके हल के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए क्या क्या कर रहे हैं। उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फरहान गनी साहब, जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करें टाउन्स की, यूसीज़ की बात करें, अगर कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो आपको लगता है कि ज़्यादा मुतासर इलाके हैं जहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं? मेरे टाउन में 8 यूसीज़ हैं, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि 3 यूसीज़ ऐसी हैं जिनको डेवलप कह सकते हैं और 5 यूसीज़ ऐसी हैं जिनमें काफ़ी काम की ज़रूरत है और वहाँ पर काफ़ी इशूज़ हैं। तो ये जो 3 यूसीज़ हैं, एक ये PCHS 1 कहलाती है, एक 2 कहलाती है, और एक महमूदाबाद यूसी कहलाती है जिसका नंबर UC 3 है। उसके अलावा जो यूसी आप देख लें 4, 5, 6, 7, 8 है, उनमें कामों की काफ़ी गुंजाइश है। जैसे आपने बात की कश्मीर कॉलोनी की, आप शायद कश्मीर कॉलोनी डबल रोड पे गई होंगी, वहाँ पे वाकई में बहुत बड़े इशूज़ हैं। रोड का इशू है, रोड वहाँ हमने पहले भी उस पार्टी ने बनाया था, तो वहाँ पर दोबारा पानी की लाइन और सर्विस की लाइन डली, जिसकी वजह से हालत ख़राब हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ज़रूरत है वहाँ पर, और रिसेंटली कश्मीर कॉलोनी जहाँ से आप आ रही हैं वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा इशू है। हमारे वहाँ पे लोगों का बुनियादी जो मुतालबा है वो पानी का है, उसके बाद रोड और सड़कों का इशू है। तो ये उस इलाके का ही है, बकाया अपने काम थे। मुझे बताइएगा फरहान गनी साहब, जिस तरीके से अगर आप बात करें पानी का मसला, ये हमने आज के पूरे प्रोग्राम में बड़ा सुना है कि पानी इलाके में मौजूद नहीं है, और पानी का ना होना एक अलग मसला है, लेकिन साथ ही साथ जब टैंकर्स मंगवाए जाते हैं तो वही टैंकर जो आपको 2,000-2,500 में मिल जाता है, सरकारी रेट उनके मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो टैंकर्स लोगों को मिल रहे हैं वो 7-8 हज़ार रुपए के टैंकर्स मिल रहे हैं। तो पानी की कमी इस इलाके में आखिर है क्यों? पानी की कमी इस वजह से है कि पहले जब आज से 20-25-30 साल पहले जो सिस्टम पानी का डला था उस हिसाब से पानी पूरा था, मगर जैसे जैसे इस इलाके की आबादी बढ़ती गई तो पानी की नीड बढ़ती गई। वो नीड अभी तक मिसाल के तौर पर पानी वहीं पर है और आबादी उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसकी ज़रूरत बढ़ गई है। ये एक प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हमने
न्यू स्कीम्स की हैं जो सईद भाई की वजह से तीन हुई है, जिसमें दो जो है 100% पानी आना शुरू हो चुका है, एक का तकरीबन 95% काम हो चुका था और इलेक्शन के दौरान जमात इस्लामी कोर्ट जाकर उसका स्टे लेकर आ गई, वो स्टे से उससे हट गया और वो काम फिर दोबारा स्टार्ट हो नहीं पाया किसी वजह से। और एक दूसरी अख्तर कॉलोनी कश्मीर कॉलोनी एक लाइन आती है वहाँ से हमारी, जैसे कुरंगी से जाकर कयूमाबाद से, तो वो लाइन ऐसी है वहाँ पर कयूमाबाद के जो इलाके हैं वो जो पानी खुलता है वो ले लेते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई वॉल सिस्टम है या वो ऑपरेट नहीं होते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो पॉलिटिकल इशू बोल सकती हैं आप या इंतजामी कमज़ोरी बोल सकती हैं हमारी रोड की, वो उस वजह से पानी वहाँ पर पहुँच नहीं सकता है। हम लगे हुए एक और लाइन है प्रपोजल में जो सईद भाई ने करवाई है कि अख्तर कॉलोनी की लाइन के लिए अलग पूरी एक लाइन आएगी, तो जैसे हमारी दो लाइनें ये कम्प्लीट होंगी तो इंशाल्लाह उस पर भी जल्दी काम शुरू होगा। तो ये इलाके की बुनियादी ज़रूरत है और उस पर हमारी बिल्कुल नज़र है और उस पर हम काम कर भी रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ये मसला भी हल हो जाएगा इनका। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर हम ये कश्मीर कॉलोनी की या अख्तर कॉलोनी की बात कर लें, अगर हम देखते हैं यहाँ पर रोड्स जो हैं वो उस तरीके से मौजूद नहीं हैं और जब बारिश होती है तो पानी आता है और साथ ही साथ सीवरेज का पानी भी वहीं पर खड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो है वो मसाइल लोगों के दुगने हो जाते हैं। तो ये सड़कें क्यों नहीं बन पा रही हैं, ये स्ट्रीट्स क्यों नहीं बन पा रही हैं? तो आप शायद सिर्फ एक ही यूसी में गई हैं इसलिए आप अख्तर कॉलोनी कश्मीर कॉलोनी की बात कर रही हैं। अगर आप हमारी दूसरी यूसीज़ का विज़िट करें तो हमने बहुत सारे बड़े रोड जो हैं बहुत अच्छी बना दिए, वो अभी की बारिश में वो 1% भी कहीं से डैमेज नहीं हुआ। ये रोड आपको वो टूटे हुए नज़र आते हैं जो बने नहीं हैं या जो काफ़ी टाइम पहले बने थे या जो पानी या सर्विस की लाइन की वजह से हमने तोड़ने पड़े, वो रोड ऐसे ही शिकायतें। बाकी जो कई मिसाली रोड हैं आप यूसी महमूदाबाद में आ जाएँ, यूसी चंदेसर रोड में आ जाएँ या मंजूर कॉलोनी में आ जाएँ, कुछ रोड ऐसे बन गए जो शायद मुझे याद पड़ता है 30-35 साल में उस रोड को हमने कभी सही नहीं देखा था। अभी हमने उन रोडों को सारा सही करके उनकी ड्रेनेज सिस्टम सही कर दिया, सर्विस सिस्टम सही कर दिया, फिर उसके ऊपर पेवर लगा के उसको इतना अच्छा कर दिया है कि वो इंशाल्लाह में उम्मीद है कि 10 साल तक वो रोड ऐसे ही रहेंगे और चलेंगे। हम अभी रिसेंटली तो पहला हमारा टारगेट है कि हमारे टाउन के अंदर जो मेन रोड्स हैं बड़े जो हैं उन पे काम करें, उन सबको पेवर करें, अच्छी बनाएं। और हम लोग खासतौर पे ब्यूटीफिकेशन पे सोच रहे हैं और हमारा फोकस है कि हम कुछ ऐसे रोड बनाएं जो इलाके की खूबसूरती में इजाफा हो। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे हैं अपने हल्के के अंदर काफ़ी, जिसकी ज़रूरत है, आए हर वीक में तकरीबन होती रहती है, प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, वो लोग सारे हमारे अपने वोटर सपोर्टर हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं, मगर हम रोड्स को इलाके को सही करने के लिए साफ़ सुथरा करने के लिए कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज भी हमने रिसेंटली काम शुरू किया इन पर, आज से अगर 2-3 महीने बाद मैं आपको दावत दूंगा दोबारा प्रोग्राम कीजिएगा, मैं अपने टाउन के अंदर बहुत सारे रोड आपको मिसाली रोड दिखाऊंगा जिनकी आप पूरी कराची में मिसाल देंगी कि चंदेसर टाउन में ये रोड इस तरह के बने हुए और दूसरे टाउन वालों को चाहिए कि वो ऐसे रोड बनाए। हम यही कर रहे हैं कि हम आपके साथ शो करने के बाद 2-2.5 महीने बाद दोबारा फॉलो अप का चक्कर भी हम लगाएंगे, हम आपको खुद बुलाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें सरकारी स्कूल्स की, तो कराची शहर में अगर हम देखें सरकारी स्कूल्स लातादाद हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्पेसेस हैं जो सरकारी स्कूल्स और सरकारी अस्पतालों ने, डिस्पेंसरीज ने घेरी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर तालीम का जो निज़ाम है वो सफ़र है। वहाँ पर या तो गोस्ट मुलाजमीन आप कह लें वहाँ, या वहाँ पर बच्चे नहीं होते या वहाँ पर उस तरीके से टीचर्स नहीं होते। तो मुझे बताएं कि अगर हम आपके टाउन की बात करें तो इसमें सरकारी स्कूल्स या बच्चों की तालीम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे टाउन में जो स्कूल्स हैं वो आप बिल्कुल जिस तरह होना चाहिए, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि उस तरह का स्कूल का नहीं है। उसकी वजह ये कि हमें जब ये स्कूल्स मिले हैं तो एक तो एज अ टाउन चेयरमैन मैं ये करता हूँ कि एक फंड्स की कमी हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है रही है अभी, मगर रिसेंटली जब सिंध हुकूमत ने हमारे ओजीडी शेयर बढ़ा दिया है और हमें एक्स्ट्रा फंड दिया तो हमारे लिए आसानी थोड़ी बहुत हुई है इससे। तो हम कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं, मगर मेरे टाउन में मैं सब सारे स्कूल या सारे पार्क सारे डिस्पेंसरी एक साथ तो मैं नहीं बना सकता। हमने पहले स्टार्ट लिया तो एक डिस्पेंसरी बिल्कुल बंद पड़ी थी, हमने उसको बनाया। मैं कहूँगा मेरी टीम से कि आपको ज़रूर उसकी वीडियो दें, आप वो भी देखें। एक स्कूल हमने बनाया है बहुत अच्छी बनाया है, उसको भी आप देखें। कुछ पार्ट्स हैं जो हमने एक एक करके बनाना स्टार्ट किया, वो भी देखें कि अच्छे पार्क बने। अब एक साथ मैं सारी चीज़ें कर नहीं सकता, ये हकीकत है। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे पास फंड्स की कह दें या कोई प्रॉब्लम ऐसी है, मगर एक एक करके जितनी कर सकेंगे वो कोशिश करें कि हम उसको सही करें। हमने एक डिस्पेंसरी कर दी है, दूसरी डिस्पेंसरी हमारी इंशाल्लाह जो महमूदाबाद डिस्पेंसरी है चंदेसर गोट में है, उसका इसी वीक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे से उसका काम शुरू होगा। वो भी कराची के अंदर मिसाली डिस्पेंसरी वर्ल्ड बैंक बना रही है, जो हमारे प्रपोजल था उसमें बना रही है, वो भी एक बहुत अच्छा बन जाएगा। और जैसे सिंध गवर्नमेंट के स्कूल्स की आप बात करें तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप चंदेसर गोट के स्कूल में ज़रूर जाएँ, सिंध गवर्नमेंट का स्कूल है, स्कूल का ज़रूर विज़िट करें,
आपका जो एक कॉन्सेप्ट है ये जरा चेंज होगा। हमने कराची शहर में कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं देखा जहां जिसका मिसाली कैसे के लेना। आप देखें, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, जरूर जाए देखें, आपको प्राइवेट स्कूल्स की बिल्डिंग्स की तरह और एजुकेशन भी वहाँ पे काफ़ी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है और इंशाल्लाह अच्छी बात। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा फरहान गनी साहब, जो इलेक्शंस के दौरान से लेकर अब तक हमने कोई मल्टीपल शोज़ किए हैं, अख्तर कॉलोनी की बात कर लें, चनेसर रोड की बात कर लें, इन इलाकों की बात कर लें, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला मंशियात का भी है। मंशियात जिस तरीके से खुलेआम यहाँ पर बिकती है और साथ में लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है उसको अप्रोच करना, उसके बारे में मुझे बताएं कि क्या कर रहे हैं आप लोग, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या यूं ही खुलेआम मंशियात बिकती रहेगी? नहीं, मंशियात बिक तो रही है बिल्कुल, ये कोई आपको मैं शायद नहीं कह डिनाई नहीं कर सकता मैं इस बात को, ये हकीकत है। मगर ये बात भी हम माने कि सिर्फ ये इलाके वो नहीं है जहाँ पर सिर्फ मंशियात बिकती है, मंशियात पूरी कराची में कहाँ पर नहीं बिक रही शायद यह मुझे पता है, मैं गलत है, पर हम इस पर हमेशा जब भी मेरी बात हुई है एस एच ओ साहिबान है हमारे, जब भी हमारी मुलाकात होती है एस एस पी है या डी आई साहब है, तो उनसे हम दरख्वास्त करते हैं और एक्शन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुलेआम नहीं हो रही, छुपके छुपा के करते हैं जो लोग भी हैं, उनके इलाके के लोग भी मौजूद भी शिकायत कर रहे होते हैं, हम भी मेरा मिलकर कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुला बिक रहा है, हमें जब भी शिकायत कोई भी मिली है तो हमने कोशिश की है कि इसको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करें, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है, ये काम तो पुलिस का है, हम पुलिस को ही कहते हैं और पुलिस कार्रवाई करती रहती है। इससे ज़्यादा पंचायत से बड़ा इशू सर गुटखा है, इसको आप लोग मैं ये बात कर रही थी प्रोग्राम में भी, हम लोग देख रहे थे कि गुटखा जो है ना माशाल्लाह से आपके इलाके में खुला बिक रहा है। फिर वही बात आ गई, सिर्फ मेरे इलाके में खुला नहीं बिकता, हर जगह खुला बिकता है। आज के प्रोग्राम में हम हैं आपके इलाके में ना, आप हम किसी और इलाके में जाएंगे तो हम वहाँ के टाउन चेयरमैन से भी ये पूछेंगे। ये आप गुटके की देखें ना, कि इसकी अभी मिसाल ले सकती है कि मैं कहूँगा कि अगर आप हमारे हल्के के टाउन के 3-4 थाने लगते हैं, पुलिस स्टेशन लगती है, आप इसे देख लेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई बंदा गुटके में पकड़ा जाता है, उसकी एफआईआर हो रही है, तो हम बिल्कुल सख्ती से इसको लोगों को मना भी करते हैं और एफआईआर भी होती है, और जो हमारे इलाके के लोग हैं ज़्यादा पता, जब पुलिस रेड करती है किसी को पकड़ती है तो हमारे पास आते भी हैं लोग, और आप कभी भी किसी से पूछें, हमने कभी किसी की सपोर्ट नहीं की, कभी किसी ऐसे फ़र्द को जो मंशियात में गुटके में या किसी और काम में इन्वॉल्व है इसके लिए कभी भी फोन करके ना छुड़वाया उसको, ना उसकी सपोर्ट की बात की। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ फरहान साहब हम ये भी देखें, तो अक्सर जब भी हम टाउन चेयरमैन से बात करते हैं तो उनका ये भी होता है कि उस तरीके से हमारे पास इख्तियारात नहीं है कि हम इलाके की तरक्याती कामों में काम कर सकें, उस हवाले से इख्तियारात के हवाले से बताइए। इख्तियारात के लिए शायद आप जमात इस्लामी की किसी के पास गए होंगे, वही बोलते होंगे, उनका तो शुरू दिन से यही है बस कि इख्तियारात नहीं है, मैं भी वैसे ही टाउन चेयरमैन जैसे वो हैं, जो इख्तियारात मेरे पास है वही सब उनके पास है, काम करने की नीयत होनी चाहिए तो काम तो हो जाता है, काम की टीम होनी चाहिए काम होता है, मगर उनकी नीयत ही सिर्फ ये है कि हमें रोते ही रहना है और काम करना नहीं है, तो उनकी ये वजह कि इख्तियारात नहीं है, बाकी मैं कभी रोना नहीं रो सकता कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। एक मेरे पास वजह भी यही है कि मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है मेरा, टाउन चेयरमैन मैं खुद हूँ, के एम सी का मेयर हमारा अपना है, सिंध हुकूमत हमारी है, वफाक में कोलिशन में है, तो मैं तो ये रोना रो नहीं सकता, अगर बनता भी नहीं है, मगर रोने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे पास इख्तियारात हैं, हम लोग पूरे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं और भरपूर तरह से काम भी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो टैक्स कलेक्शन का मामला है टाउन्स में, उसके हवाले से बताइएगा, वो मसाइल उन मसाइल का सामना आप लोगों को करना पड़ता है या आप लोग उसमें कामयाब हैं? नहीं, मसाइल का तो सामना करना पड़ता है टैक्स कलेक्शन में, जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं टैक्स कलेक्शन जब टीम जाती है इशूज़ तो आते ही हैं, मगर हम हमेशा मेरी एक कोशिश रही है कि जिस तरह का टैक्स है, जिस तरह के लोग हैं, उनके साथ इंगेज हो जाए, मैं खुद जाके मीटिंग्स करता हूँ, मिलता हूँ उनसे, बातचीत करता हूँ, तो मुझे 80-90% मुझे टैक्स मिल जाता है। जैसे कल की शायद मैं आपको बताऊँ, कल जो ट्रेड लाइसेंस का इशू था, खालिद बिन वलीद रोड बहुत बड़ा रोड है जिस पर हज़ारों की तादाद में शोरूम्स हैं, वहाँ पे उनके इशूज़ थे, पहले वो कभी माजी में तो वो कहते थे हम 2-4 हज़ार रुपये टैक्स देके ट्रेड लाइसेंस बनवा लेते थे, तो हमारे जो रेट्स थे वो कुछ और थे, तो उस पर उनके काफ़ी इशूज़ आ रहे थे, तो कल मैं खुद गया था एम सी के साथ, वहाँ की मीटिंग करा, वहाँ बैठे, एक अच्छी मीटिंग हुई, लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, इसमें डिसाइड किया, तो हम चाहते हैं कि लोगों के साथ मिलकर जो लोग टैक्स देने वाले हैं उनको इंगेज करें और उनको राज़ी करके, ज़बरदस्ती या बदमाशी से या खुदा खासा सरकारी पावर यूज़ करके नहीं, राज़ी करके टेबल पे बैठकर बातचीत करके टैक्स लें और मिल जाता है टैक्स। मुझे तो बड़ी आसानी है, बड़ी खुशी की बात है कि मैं तो दावा करता हूँ पूरी कराची में कि मेरी टैक्स कलेक्शन जो चनेसर टाउन की है पूरे कराची में कोई टाउन नहीं करता होगा, मैं साबित भी कर सकता हूँ, ये सिर्फ वो बातें नहीं है, मैं आपको इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, साबित भी कर सकता हूँ कैसा है। जब डीएमसी ईस्ट थी पूरी, ट्रेड लाइसेंस का शायद पूरे डीएमसी के अंदर 1 करोड़ भी शायद टैक्स जमा नहीं होता था, अभी डीएमसी में 5 बन चुके हैं और मेरा अपना टारगेट है
कि इंशाल्लाह सिर्फ ट्रेड लाइसेंस के मद में 2.5-3 करोड़ में आके इंशाल्लाह मैं कलेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टाउन चेयरमैन फरहान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर हम इसकी बात करें तमाम तर चीज़ों की, आज के प्रोग्राम में हम लोग कवर कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है ये इसका इलाका था, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे फरहान गनी साहब भी बता रहे थे कि UC 1 से UC 8 8 UCs हैं जो कि फरहान गनी साहब के अंडर हैं, और बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन हमेशा प्रोग्राम के आखिर में यही बात होती है कि मसाइल के बारे में जानना, कि आपको वो तमाम तर मसाइल पता हों और आपको ये भी पता हो कि अगर इसको हमने हल करना है तो किस तरीके से हल करना है। और बड़ी खुशाइन बात भी होती है कि जब आप किसी भी टाउन चेयरमैन के पास जाएं, उनसे जाके बात करें, तो आपको ये कहते हुए नज़र आएँ कि हम, क्योंकि हमने अरसा दराज से ये बातें सुनी हैं कि कभी इख्तियारात के रोने रोए जाते हैं, कभी फ़ंड्स के रोने रोए जाते हैं, कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कभी मैन पावर का कहा जाता है कि उसकी कमी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टाउन चेयरमैन साहब को तमाम तर मसाइल का पता है, बहुत सारी चीज़ों पर वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ बुनियादी मसाइल ऐसे हैं जिनका हल मुमकिन है, क्योंकि वो इलाके हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं जब कराची में बारिशें होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे कराची में ख़राब है, लेकिन जो भी टाउन चेयरमैन हैं, जितने भी टाउन्स कराची में मौजूद हैं, उनके अगर अपने अपने हिस्से का, अपने अपने इलाकों का काम करें, तो ये कहा जा सकता है कि कराची जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू कर देगा। और अच्छी बात यह है, क्योंकि हमने ये प्लान भी किया था अपने प्रोग्राम में कि हम जो है वो जिन इलाकों में जा रहे हैं, हम कुछ अरसे बाद दोबारा से एक फॉलोअप शो भी उनके साथ करेंगे ताकि जान सकें। तो फरहान गनी साहब ने हमें खुद ही दावत दे दी है, तो हम दोबारा भी जो है वो चक्कर लगाएंगे और देखेंगे कि हालात किस कदर जो हैं वो बेहतर हुए हैं। और उम्मीद यही है कि इस इलाके के हालात भी बेहतर होंगे, इस टाउन के हालात भी बेहतर होंगे, और पूरे कराची के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।